दोस्तों हम लकड़ियार से जामगढ़ की जो उससे आगे एक छोटा सा हाँ उससे थोड़ा सा आगे एक गांव आता है जामगढ़, वहीं पर खड़े हैं। सामने ये गांव घर देख सकते हैं, ये पूरा सामने गांव है, बिल्कुल सुनसान। बावड़ी कब बनाई गई है? 2002 में बनाई गई है, लेकिन इसको पक्का तो बनाया है, लेकिन इसका बिल्कुल सफाई वगैरह नहीं है। और ये बॉर्डर के बिल्कुल पास में है, और ये बॉर्डर का लास्ट गांव है। इससे आगे कोई आपको गांव इंडिया का नहीं मिलेगा, इससे आगे आपको पाकिस्तान के गांव ही मिलेंगे। गांव का नाम भगते की टाणी, थोड़ा पीछे जो गांव थे उनसे थोड़ा बहुत ही विकसित है, और यहां पर थोड़े पढ़े लिखे लोग भी है, लेकिन यहां पर जितनी भी टाणियाँ बनेगी वो तरों पर और झोंपड़े यहाँ पर जरूर दिखने को मिलेंगे। झोंपड़े लोग जरूर बनाएंगे, काफ़ी मात्रा में लोग गायें वगैरह रखते हैं, पशुपालन में इनका व्यवसाय है ज़्यादातर। दोस्तों इस धूप के अंदर देखो बच्चे पढ़ के घर की तरफ जा रहे हैं, और अभी लगभग बजे हैं एक, और बच्चे सब जा रहे घर की तरफ। आपकी स्कूल कहाँ पर है? हाँ अच्छा पीछे, वहीं से अब आप कहाँ तक आप? हाँ आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? अच्छा मतलब बबीता की ढाणी। और इससे आगे कौन सा गांव है? लकड़ियारी। सज्जन का बाहर लकड़ियारी। हां सज्जन का बाहर कितना यहां से? यहां से 6-7 से। अच्छा ये मत खाओ, खराब है ये। खराब है हां, इसमें गर्मी होती ज्यादा। ठंडी होती है। आपका नाम क्या है? तो आप पैदल ही आते हो हमेशा? हमारे घर है, वीडियो बना रहे हैं। अच्छा कालू माली यूट्यूब पर। कालू माली यार वो पता नहीं, वो तो न्यूज़ बनाते हैं। क्या नाम है? कल्पेश नाम है दोस्तों। ये गडरा की तरफ जाते हैं तब ये बीच में आती है ढाणियाँ, जिनका नाम है भूभूते की ढाणियाँ। बहुत शानदार ढाणियाँ बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे खुले क्षेत्र में। यहाँ पर आपको जगह जगह टांके देखने को मिलेंगे, इसमें ये बरसात का पानी है वो स्टोर करते हैं, और 12 महीने के लिए यही उपयोग में लेते हैं ज़्यादातर। देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको गायें बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, यहाँ पर डेजर्ट के अंदर गायें बहुत ज़्यादा रखते हैं। सबसे ज़्यादा ये पशु पे निर्भर रहते हैं, इनका मेन व्यवसाय पशु ही होता है। और इसी धूप में अभी कड़ी धूप में ये बच्चे स्कूल से आए, अभी देख सकते हैं दोस्तों एक शानदार थोरों के बीच में एक ढाणी बनी हुई है, जो बिल्कुल कच्चा आंगन है, और दो बीच में झोंपड़ियाँ और उसके बीच में आंगन है, और द्वारों के बीच में बना हुआ है, बिल्कुल सुनसान इलाका है। वो गाड़ी 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 दोस्तों अभी हम सज्जन के पार से आगे निकले, अभी आगे गांव कौन सा? मोहम्मद का पर, अभी मोहम्मद का पर आगे आने वाले, तो उसके बीच में हम जा रहे थे रास्ते में, तो कुछ यहाँ पर गांव के लोग तो उनसे थोड़ी सी भी बात भी कर लेते हैं। सबसे बड़ी पानी की समस्या, पानी की समस्या है। अच्छा और जो काम आता है हाँ। जो सरपंच था, ग्राम सेवक था, बीडिया था हाँ। तहसील था हाँ। ये सारे के सारे लोग कागजों पे काम ले रहे हैं कि कागज हमको और लेन करो, पैसे दो। अच्छा। और हम तुम्हारे गरीबों का काम करें। अच्छा। और कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा। और गरीबों के पास जैसे ये कोई सरकारी काम आधा आधा लूट जाते हैं। अच्छा हाँ, ये अभी निकाला है कि तुम्हारे खाते में पैसे आएंगे, तो खाते में पैसे डालते ही नहीं, तो खाते में पैसे डालते ही नहीं, तुम्हारा नाम चलेगा ही नहीं। अच्छा हम घर पे बैठे तुम्हारा नाम काट देते। आपके अकाउंट वगैरह मतलब खाता नंबर वगैरह ऑनलाइन किए क्या? कुछ नहीं सर, हमारा कुछ नहीं किया। अच्छा कुछ नहीं किया, तुम्हारा खाता नंबर सही नहीं है, तुम्हारा पॉइंट सही नहीं है, तुम्हारा इनमें गड़बड़ है। आपके जॉब कार्ड वगैरह क्या बनाया कुछ? हाँ बना हुआ है। उस पे काम वगैरह मिल रहा है क्या? मिल रहा है हाँ। लेकिन मिल रहा है, यहाँ ई मित्र वाले, ये ग्राम सेवक, बीडिया, ये सरपंच, ये सारे गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा मतलब पैसे आपको पूरे? हाँ पैसे कहाँ देते हैं, पूरे देते ही नहीं क्या? इसमें गड़बड़ है नाम। अच्छा आधे ले लेते हैं आधे देते हैं। अच्छा आधे दे ले आधे ले लेते और काम भी बिल्कुल करवा, काम भी हमारे को करा देते हैं, तगारी उठा देते हैं और काम भी करवा देते हैं, करवा देते हैं, मन करते करवा देते हैं कि फोटो लूंगा, काम कराऊंगा और तुम्हारी हाजिरी चढ़ाऊंगा, ये के बोल देते। अच्छा और जयन को बता देते, अयन को बता देते काम कर रहे हैं रास्ते पे, तापावड़ा तगारी बता देते हैं, और लोगों को काम करने के पैसे नहीं दे रहे, आधे खा जाते। अभी यहाँ पर लोग मतलब पानी कहाँ से लाते हैं? क्या पानी बिल्कुल है ही नहीं, पानी आता था पहले इधर से इंदिरा के वक्त थे।
अच्छा। अभी कुछ नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं आ रहे हैं, तो ये पानी इधर है। अभी मान लो आपको पानी की जरूरत कहाँ से लाते हो? बेरियों, बेरियों में है पानी, बेरी खाली पड़ी है, सूख गई। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत है पानी, कोई देख रहा नहीं, हवा में आंधियों में भूर गई, पानी है नहीं बस बिल्कुल। बाकी मैंने यहाँ पर लोग मतलब जीवन यहाँ पर इनके लिए रोजगार किया, मैंने के लिए गाय है। अच्छा, गाय, हाँ, बकरी है। अच्छा, भेड़ है। अच्छा, और खेतों का काम है। ये बकरी आ रही है, पानी नहीं है, बरसात होती है तो है नहीं, तो कुछ नहीं। ये बकरी आ रही है आपके सामने, ये ऊँट खड़े आपके सामने, इनको पानी नहीं मिल रहा। हम जाते हैं, अभी हमारे मुंडे में रोजा है, हम जाते हैं तो पानी पिला के एक बार आते हैं। अभी कितनी गर्मी चल रही है, इसमें एक बार पानी पीना चलेगा? नहीं चलेगा। अभी मैं यहाँ 1-2 बजे खड़ा हूँ, ये पशुओं की वजह से खड़ा हूँ। अच्छा, और हमारे यहाँ क्या है? अच्छा, पशुओं की वजह से यहाँ, हाँ, पशुओं की वजह से खड़ा हूँ। और गाय, ये पशु है ना मेरे, बकरी मेरी है, गाय है, गोट वगैरह, हाँ, गाय है, सब उधर है, गाय भैंस वगैरह सब है, वो ढाणी है। मतलब लोग यहाँ पर जितने भी वो पशु पे निर्भर है, बाकी ना तो बाकी कुछ नहीं है। हाँ, अभी रास्ते पे जा रहे थे, गडरा की तरफ जा रहे थे, तो इन्होंने ये बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है, और पानी की अगर थोड़ी बहुत अगर गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था की जाए तो सबसे अच्छी बात होगी। और जो भी सुविधा दे रहे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से है, वो हमें पूरी लाभ मिले, वो पूरा लाभ अभी तक इनको नहीं मिल रहा है। तो ये दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को और लोगों को भी पता चले कि ये यहाँ पर लोग रेगिस्तान में किस तरह रहते हैं। सामने दिखाई दे रही है टंकी, जो ये टंकी है ये 1985 में बनाई गई है, और हाँ, इंदिरा के वक्त में, तभी यहाँ पर इनको ये यहाँ पर पाइप वगैरह लगे हुए थे, और दूर से, हाँ, दूर से पानी आता था पाइपों के द्वारा, इस टंकी में भी आता था, लेकिन वो भी अभी बंद है, वो बिल्कुल अभी वो तो पाइप भी उखाड़ दिए, हाँ, पाइप भी उखाड़ दिए, और बिल्कुल वो भी बंद है। अभी सिर्फ ये बेरियों वगैरह ये आसपास है अगर थोड़ी बहुत, तो उस पे ही निर्भर है, बाकी यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं। बाकी अगर ये बीमार वगैरह पड़ जाए तो यहाँ पर कोई साधन की व्यवस्था नहीं है। हाँ, इनका अगर भरोसा सबसे ज़्यादा है, और इनकी जो हाँ इनकी हेल्प करते हैं वो सिर्फ BSF वाले ही करते हैं इनकी, और BSF ही हेल्प लेते हैं, बाकी यहाँ पर कोई इनकी सुनने वाला नहीं, ना उनको कोई सुविधा देने वाला है। मोहम्मद की पर की तरफ कोई बस वगैरह नहीं जाती, मोहम्मद के पार तो बस क्या जाएगी, यहाँ कहीं नहीं आती है, गागरिया से एली तरफ बिल्कुल गांवों में कोई गांव में नहीं आ रही है। अच्छा, मतलब इस क्षेत्र में कहीं पर बस नहीं आ रही बिल्कुल? पंचायत 3-4 है, उनमें कोई सरकारी बस आई नहीं। अच्छा, इस क्षेत्र में मतलब बस बिल्कुल चल भी नहीं है बस, हाँ, पंचायत स्तर पर भी बिल्कुल बस नहीं आ रही है, इधर भी है। हाँ दोस्तों, ये इनके पानी की पीने की जो स्रोत है आप देख सकते हैं, जो ये पानी निकाल रहे हैं, ये थोड़ा सा पानी आता है और बहुत गहरा है, आप देख सकते हैं। थोड़ी बहुत हम भी यहाँ से पानी ले लेते था, मीठा है, मीठा है पानी। अच्छा, पानी मीठा है। ये आसपास कितनी बेरी है, ऐसी कितनी बेरी है? ऐसी खराब हो गई सारी बेरियां, ये बेरियां ही बेरियां सारी, मतलब सब खराब हो गई, यही अभी सब खराब हो गई, एक रह गई, ये एक ही रह गई, मैं यहां पे पल रहा हूं इसमें। हाँ, अगर ये भी खराब हो जाए तो फिर खराब हो जाए, फिर हम भी प्यास मर जाएंगे। अच्छा, मतलब आप इसी पे निर्भर है अभी, तो देख सकते हैं ये इनकी हालत है। और पशु वगैरह पानी पिलाते इसी में पिलाते? अच्छा, पशु पिलाने की भी यही व्यवस्था, पानी नहीं मिल रहा है इनको, 2 घंटे आप देख सकते हैं, 4 मटका ये इनकी व्यवस्था है, पानी पीना हो या पशुओं को पिलाना हो। देख सकते हैं यहाँ पर ऊँट वगैरह है, तो सबको, अगर ऊँट तो आपको थोड़े बहुत तो पानी पीते हैं, वो ज़्यादा पानी पीते हैं, तो उनको भी पानी, वो भी एक बार ही पानी पिलाते हैं, उनको बार बार भी नहीं पिला सकते, एक बार पानी पिला के छोड़ देते हैं। दोस्तों, इस बेरी में भी टाइम से पानी आता, मतलब थोड़ी बहुत इकट्ठा 1-2 घंटे के बाद, 2-3 घंटे के बाद इकट्ठा होगा तब ये पानी निकालेंगे, 2-3 मन का इकट्ठा होगा तब ये निकाल सकते हैं, बाकी ऐसे नहीं कि 24 घंटे ये पानी निकाल सकते हैं। मतलब सुबह के टाइम छोड़ देते हैं, शाम के टाइम, मतलब जब चाय वगैरह पीने का टाइम होता है तब वो वापस इनके घर पे आ जाती है, ये व्यवस्था। ठीक है
पानी पकने चला है डाला पकने होती है नहीं चले जा से चले जा से पानी पकने निकला चला है आ रही में माड़ू मरे असा कर पानी घनो भाई गांव माया को तो माड़ू है ना मां नहीं में 10 बार जल गया ओ पानी अब आया मांजे पता लगी मिसे नाम में हम कच्चा में कडी लदया रे में हो भाई भाई एक मिली दियो के दी असा के हूं असा घनी ओरखाने के मां ਸਰ ਉਹ ਕਰ ਜਰਾ ਸਾਂ ਜਾ ਤਾ ਕੋਨੇ ਮਮੀ ਆਏ ਸਮੇ ਜਾਨ ਆਲੀ ਸਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਆਈ ਹਾਂ ਅਰੀ ਤੇ ਪਚਾਈ ਵਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਗਾ ਗਾ ਨਾ ਗਾ ਬਾਪਾ ਰਿਆ ਸਾਂ ਪਰ ਗਿਆ।